देव श्री अनंत पूजो सेठ पूजो चाव सो आचार तुलाय पूजो साध पूजो भाव सो अरहंत वासित वेद पूजो द्वाद शंकर जी गण पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आसानी सर्वज्ञ भाषित धर्म दशविद दया मैं पूजो सदा ज भावना छोड़त जाग नाचिव नहीं कृत्रिम कृत्रिम चैत चैताले अजमेर नंदीश्वर जुनाले खचर सुर पूजित भजो कैलाच सी समेत गिर गिर नार मैं पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सेवना चौबीस श्री जिन राज पूजो बीस चित्र पति शिव के जल गंगाक्षत पुष्प चरू दीप धूप फल सर्व पूज पद पूजो बहुविधि भक्ति बड़ा ओ सर्व पूज पद पूजो बहुविधि भक्ति बड़ा ओम ह्रीम श्री अरंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी द्वादशांग जिनवाणी दस लाक्षणिक धर्म सोलस कारण भावना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र रत्नत्रय तीन लोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय पंचमेरु संबंधी अस्थि चैत्यालय नंदीश्वरदी संबंधी भावंजन चैत्यालय श्री सम्य शिखर जी कैलाश जी गिरनार जी चंपापुर जी पावापुर जी आदि सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र विद्यमान भी स्थितंकर भगवान के 1008 नाम श्री वृषवादिक महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो जलार्घम मार्गम निर्वपामिति स्वाहा अर्घम निर्वपामिति स्वाहा अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। शांति पाठ प्रारंभ होता है। शासोक्त विधि पूजा महो सब सुरपति चक्री करे हम सारी के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे रहित न जाने प्रीति पूजन नाथ जी तम भक्ति वश तम चरण लागे जोड़ लीने नाथ जी दुख हरण मंगल करने आशा करन जिन सही यह चित्त में श्रद्धा ने मेरे भक्ति है स्वयं वही तुम सारी के दातार पाए आज लघु चाचू कहा मुझे आप सम कर ले हो स्वामी यही एक वांछा महा संसार भीषण विपिन में वसु कर सिद्धार्थ आकुलित चित्त है शांति थल कहूँ नालियो मिले शांति स्वरूप शांति करण समरथ जगपति वसु कर्म मेरे शांत कर दो शांति मय पंचम गति संग श्रोता चरण शुभ आत्म भावनांत काल गयो लत जग जाल में अब शरण आयो नाथ युग कर जोड़ नावत भाल में अब शरण आयो नाथ युग कर जोड़ नावत कर प्रमाण के मानते गगन नमे की भंत क्यों तुम गुण वर्णन करत कवि पावे नहीं अंत कवि पावे नहीं अंत। यदि पुष्पांजलि छपे नमुकार मंत्र पाठ सुबह काय उत्सर्ग करें।
क्षमापना विसर्जन पाठ प्रारंभ होता है। बिन जाने वा जान के रही टूट जो को हम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन हो। क्षेत्र की जय हो। जय बोले दिगंबर मुनि भगवंतों की जय हो। जय बोले अनंत सिद्ध परमेश भगवान की जय हो। इस तरह से बहुत ही मंगलमय हमारी तीर्थ वंदना आज कौशाम्बी की हुई। कोई जब उधर जाना चाहे तो मुझे कल मैसेज आया था कि थोड़ा सा आप बता दें कि ये क्षेत्र कहाँ पर है। इलाहाबाद जो मेन स्टेशन है इलाहाबाद से 60 किलोमीटर की दूरी पर कौशाम्बी है। मेन इलाहाबाद कानपुर मेन लाइन जो रेल लाइन है उस पे ही ये पड़ता है, इसलिए आवागमन के बहुत अच्छे साधन है। ठहरने के लिए धर्मशाला भी है और पर्वत भी बहुत छोटा सा है तो आप आसानी से इसकी वंदना कर पाएंगे। आइए एक बार हम इस क्षेत्र को पुनः अवलोकन दर्शन करने के लिए चलेंगे। और इसी के साथ साथ आपको जानकर प्रसन्नता होगी आज हमारा जो ये यात्रा संघ है स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप का, जो कि ना केवल कोई एक स्थान विशेष से सीमित है अपितु देश विदेश के सभी साधर्मी बंधु आज इसका हिस्सा है और सभी की भावनाएं हैं। बहुत ही शीघ्र एक दिन के अंदर ही हम पहुंचने वाले हैं अब भारत से बाहर विदेशों में जो जिन मंदिर हैं उसके अंतर्गत कनाडा। कनाडा में जो जिन मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी वहां से साधर्मी बंधुओं का साथ हमारा जुड़ने वाला है और वहां के जिन मंदिर के दर्शन, साथ ही साथ न्यूयॉर्क न्यू जर्सी वगैरह जो यूएसए के अलग अलग हमारे क्षेत्र हैं वहां के भी दर्शनों का लाभ हम करने के लिए पहुंचेंगे उन साधर्मियों के साथ। ऐसा आपको जान के आश्चर्य होगा कल लंदन से हमारे साथ जो बहनें जुड़ी हुई थी आज भी संभावित वह जुड़े दिख रहे हैं मुझे, वह उस समय अपने भारतीय टाइम के हिसाब से वहां रात के 3 बजे होते हैं लेकिन वह उतने 3 बजे उठ करके और विधिवत बैठ करके और भाव पूजा अपने साथ करते हैं। मुझे ध्यान आता है उनकी इस भावनाओं को प्रेरित करने के लिए, जब जग विषयों में रचपच कर गाफिल निद्रा में सोता हो अथवा वह शिव के निष्कंटक पद में विष्कंटक बोता हो, वो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। इसी तरह मंगल आराधना में जुड़े रहें, लगे रहें, हम सभी को इस भव का अभाव करना है। ऐसी भावना से आइए पद्म प्रभु भगवान की कौशाम्बी नगरी का पुनः दर्शन प्रारंभ करते हैं। धन्य
जीवन तो जिननाथ हमारे, जीवन तो जिननाथ हमारे, भव सागर में एक तुम सहारे, विषय भी
प्रभु शुभ सुंदर सत्स्वरूप तेरा परमेश्वर अति पवित्र निर्मल विनाशी सहज वस्तु निज भाव प्रकाशी अनुपमेय है रूप तुम्हारा जिनवर से अभी आप और हम सभी ने बहुत ही सुंदर इस कौशाम्बी क्षेत्र की मंगलमय वंदना पूर्ण की और पद्म प्रभु भगवान के चरणारविंदों में बारंबार नमस्कार करते हुए उन 32 मुनि भगवंतों का भी हम स्मरण करते हैं जो इस कौशाम्बी में यमुना के तट पर ध्यानस्थ मुद्रा में जल की तेज प्रवाह में बह गए थे लेकिन समाधि पूर्वक देह का त्याग कर उन मुनि भगवंतों ने अपने मोक्ष मार्ग के पथ का प्रयाण किया। ऐसे मुनि भगवंतों की बारंबार वंदना करते हुए आज की यह तीर्थ यात्रा अभी हम यहाँ पे विराम लेते हैं। कल आगामी दिवसों में अनेक तीर्थों के लिए फिर आगे बढ़ेंगे। आइए अपना जो स्वाध्याय क्रम चलता था समय सार कलश में बहुत ही सुंदर कलश बंध अधिकार में 167 नंबर का 167 नंबर का कलश पाठ ना हो रहा है। आइए मंगलाचरण पूर्वक प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सवसाहूणम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। 167 नंबर का कलश पाठ करते हैं। जानाति आसन करोति करोति अस्तो जानाति तयम् न खलु तत् किल कर्म रागा रागम् त्वबोधमयमध्यवसाय माहो मेथ्या दृशा सनियता सच बन्धहेतु। देखिए कोई भी कलश पाठ जब भी अपन करते हैं उसकी कोई ना कोई एक ऐसी पंक्ति होती है जो कहना चाहिए उसके मूल सिद्धांत को या उसके पूरे भाव का अभिव्यक्ति करती है। जैसे कि इस कलश में जो हम पढ़ रहे हैं इस कलश में एक पंक्ति तो यही है या जानाति साना करोति, जो जानता है वह करता नहीं। अभी इसका नास्तिक पक्ष देखें जो करता है वह जानता नहीं। क्या कह रहे हैं? जो करता है वह जानता नहीं। मैं आपसे पूछता हूं अभी आपने पूजा की कि पूजा को जाना? यदि आपने पूजा की है यानी आपने पूजा जानी ही, और यदि आपने पूजा को जाना है इसका मतलब है आपने सही पूजा की। क्या कह रहे हैं? देखो मैंने आपको इस बात का विचार करने कहा था ना, सही पूजा करने में आपका ही कहना चाहिए ज्यादा लाभ होता है और आपको बहुत सरलता है क्योंकि आप निर्भर हैं। हाँ बोलो, आपको क्या करना रहता पूजा के लिए? क्या करते हो आप? सिर्फ जानने का काम है। लेकिन जिसका कर्ता बुद्धि हो, जो कर रहा है, जो व्यवस्था संचालक है, व्यवस्थाएं संयोजन कर रहा है, उसके उधर पे बहुत विकल्प होते हैं। तो निश्चित लाभ किसको ज्यादा मिल रहा है? ज्यादा लाभ कौन ले रहा है? तो लाभ उसी को मिल रहा है जो अपने उपयोग को या जानाती सा न करोती, जो जानता है वो करता नहीं, और जो कर्ता बुद्धि लेकर के बैठा है वो जान नहीं पाता। आपको देखा हुआ कई बार ऐसा होता है कि अर्घावली इधर उधर हो जाती, कई बार एकाध शब्द यहाँ हो जाता है, हम दिखाना किसी को चाहते हैं किसी और को दिखाने लगते हैं,
ये क्यों होता है? क्योंकि वो विकल्प चंचल चलता रहता ना, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आप निश्चित समझना मैं ये पूजा पहले ही पढ़ चुका होता हूँ, मैं रात्रि में ही अपने स्वाध्याय के बाद में बैठता हूँ, तब मैं पूजा पढ़ लेता हूँ एक बार पूरी, क्योंकि मुझे मालूम है कि सुबह के समय की जो पूजा है तो वो पूजा में थोड़े विकल्प जंजाल बहुत होते हैं। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि तू जान, तू कर नहीं, क्योंकि करना ही मिथ्या दृष्टि पने का लक्षण, कर्ता बुद्धि ही मिथ्यात्व की उत्पादक है। जहां जहां कर्तत्व का व्यामोह रहेगा वहां वहां मिथ्यात्व का पोषण चलने वाला। देखिए लिखा है, ये चर्चा तो अपनी बहुत आगे बढ़ चुकी है, एक पॉइंट था जो बहुत सुंदर लाइन इसमें आई थी, कोई मानेगा कि कर्म सामग्री में अभिलाषा हुई तो क्या और ना हुई तो भी क्या। देखिए जिन्होंने पहले से सुना होगा उनको ये विषय बहुत आसानी से क्रम में जुड़ेगा, और जो आज सुनते हैं उनके लिए मैं फिर से स्मरण करने समझाने को ये बात कहता हूँ। कर्म सामग्री में अभिलाषा हुई तो क्या और नहीं हुई तो क्या, यानी कर्म के उदय की अवस्था में कोई तन्मय हो गया तो कर्म का उदय है ना वो, यानी ऐसा तर्क करते कर्म का उदय है ना तो तन्मय तो हो गई, पुण्य का उदय है तो पुण्य को तो भोगेगा, पाप का उदय है तो पाप के उदय में घबराएगा तो ना, हाँ हो भी गया तो इसमें नया क्या, वो तो कर्म उदय की, क्योंकि वो कर्म संयुक्त पने से अनुभूति करता है, वो ऐसा मानता है कर्म का उदय ऐसा करा रहा है मुझे। अनुकूल प्रतिकूल परिणमन किससे हो रहा है? कर्म के उदय से। अनुकूल प्रतिकूल संयोग क्यों बन रहा है? कर्म के उदय से। अब कोई कहता है चलो ठीक है, मान लो कोई कर्म के उदय सामग्री में संयुक्त नहीं हुआ तो भी क्या हो गया। फिर दूसरा प्रश्न पूछता तो क्या हुआ, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं क्या हुआ, क्या हुआ? उसे पता ही नहीं है अनंत संसार जो है वो अभाव होने लगा, कर्म संयुक्त अवस्था में एक रूप अनुभूति ना करने से अनंत संसार का अभाव प्रारंभ होता है, और उसमें एक रूप अनुभूति से अनंत संसार का बंद होता है। मैंने आपसे कहा था ना अभी जब अपन पूजन करते हुए मैंने स्मरण कराया कि प्रभु के जन्म कल्याणक मनाएं और वहां पे ये भावना होती है इनका अंतिम जन्म है, तो ऐसा जो परिणाम है प्रभु के जन्म कल्याणक मनाने का, ये परिणाम हमें मोक्ष मार्ग की प्रेरणा देता है। ये जन्मोत्सव नहीं मनाना है, जन्म मरण के अभाव की भावना भाना है, और अपन अपना जन्मोत्सव मनाए तो फिर कैसा भाव आएगा, हा? कैसा आएगा भाव कि भाई विषयों की सेवन करें, विषय सामग्री लेके आए, नए कपड़े लेके आए, बढ़िया वस्त्र आदि पहन लें, परिजनों को इकट्ठा कर लें, मिठाई बना लें तो सबका मुंह मीठा करा दें, और वो थोड़ा झूठ उठ बोल के चले जाएं तो अपन खुश भी हो जाएं। बोले क्या झूठ बोल के चले जाए, हैं बोलो मैंने तो बताया था कि क्या बोलते हैं जन्म दिवस पे, सच बोला जाता है कि झूठ बोला जाता है, व्यवहार की भाषा ही विचित्र होती है। कोई आके जन्म दिवस पे आपको 12 भावनाओं समाधि मरण पाठ नहीं सुनाने वाला, क्या कह रहे हैं? लेकिन धन्य है वे तीर्थंकर जिनके जन्म कल्याणक के दिन ही तप कल्याणक का दिन था। कितने ही तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक के दिन तप कल्याण, वन विहार को गए थे, जन्म कल्याणक का दिन था, जन्मोत्सव था, पूरी नगरी सजी हुई थी, और वहां पे बाहर दृष्टि जाती है संसार शरीर भोगों का, वैराग्य आता है, अरे देखो एक समय की पर्याय, ये पद्म प्रभु भगवान का जिनका आज हमने कल्याणक मनाया, इनके साथ क्या घटना हुई थी यदि आपको स्मरण होता है? अपने राजमहल में बैठे थे और खिड़की से बाहर देख रहे थे, और देखते में दृष्टि पड़ी कि प्रांगण में एक हाथी मूर्छित होके गिर गया, और वह हाथी बहुत बलशाली था, उनके संग जो हाथी संग था, हस्ती दल का प्रमुख हाथी था, मूर्छित हो गया, देखते ही देखते प्राणांत हो गए, बस देख ही रहे प्राणांत हो गए, कोई दौड़ लगाता, कोई वैद्य आता, कोई उपचार करता, कोई उसके लिए कुछ करते, इसके पहले प्राण छूट गए। ये देखकर पद्म प्रभ जो राजा थे उन्हें संसार शरीर भोग से वैराग्य हुआ, जाति स्मरण हुआ, पूर्व भाव का स्मरण आया, और उन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके मोक्ष मार्ग की ओर प्रयाण किया। हम यहाँ पे कह रहे हैं अभिलाषा मात्र पूरा मिथ्यात्व परिणाम, आचार्य कह रहे हैं अभिलाषा मात्र इच्छा ही है तो पूरा मिथ्यात्व पड़ा हुआ। कितनी इच्छा है, क्या इच्छा है? मैं आपसे पूछता हूं एक सामान्य मनुष्य को सुखी गृहस्थ जीवन बिताने के लिए कितनी आवश्यकता है, हा?
और मालूम है हमारी इच्छाएं एक जैसी नहीं होती हैं, बदलती रहती हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। एक विद्यार्थी की क्या इच्छा होगी कि अच्छे अंक प्राप्त करूं, एक व्यापारी की क्या इच्छा होगी कि मेरा व्यापार चलता रहे, एक बहन की क्या इच्छा होगी कि मेरी घर गृहस्थी मेरे अनुकूल चले, मुझे कोई प्रतिकूल व्यवहार ना करे मेरे साथ। हाँ, एक कुशल भोजन बनाने वाली बहन है तो उसका विकल्प चलेगा मेरा भोजन अच्छा बने ताकि मुझे प्रशंसा प्राप्त हो। आप लगा के देखो, हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं, और ये इच्छा एक नहीं, असंख्यात प्रकार की। कितनी? असंख्यात। और यहाँ कह रहे हैं अभिलाषा मात्र पूरा मिथ्यात्व, एक भी विषय की आशा है तो पूरा मिथ्यात्व है। धन्य दिगंबर मुनिराज, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। विषयों की आशा ही नहीं, आशा नहीं है यानी मिथ्यात्व का अभाव कर दिया। क्या कह रहे? आशा नहीं। बोलो साहब, आज दुकान खुलेगी कि नहीं खुलेगी? दुकान खुलेगी कि नहीं खुलेगी? खुलेगी? कौन खोलेगा? नौकर खोलेगा कि मालिक खोलेगा? कौन खोलेगा? ये बोले साहब, जब हम जाएंगे जब ही खुलेगी ना, हाँ, तो आप खोलोगे कि जानोगे? वैसे भी आप क्या करते हो? यदि आपके साथ में नौकर हो, असिस्टेंट हो, तो आप करते क्या हो? चाबी उसको दे दी और खड़े होके जानते ही हो ना कि खोलते हो। अच्छा, खोलते हो तो कैसे खोलते हो मुझे बताओ, खोलने की प्रक्रिया बताओ, दुकान खोलने की प्रक्रिया। हाँ, मालूम है किसको कर्ता कहा जाता है? जो स्वयं कार्य रूप परिणाम है उसको कर्ता कहते हैं। हम कहते हैं हमने दुकान खोली, तो कैसे खोली बताओ? क्या शटर उठाने का नाम दुकान खोलना है? हाँ, बोलो, आपने शटर उठा के खोल के रख ली लेकिन ग्राहक नहीं आया तो आप कहोगे दुकान खोली है? जब तक आपके प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो तब तक आप उसको कार्य नहीं मानते। दुकान खुलने का मतलब है ग्राहक का आना। ग्राहक का आना नहीं, ग्राहक का आने के बाद में वस्तु का चयन करना। वस्तु का चयन करना नहीं, वस्तु का क्रय करना। और क्रय करना ही नहीं, उसका मूल्य अदा करना, और वो भी कैश में करे तो ज्यादा प्रसन्नता होगी कि उधारी करके जाए तो। बोलो, काय में प्रसन्नता है? हा? तब तो कोटेशन लिख के रखा है, आज नगद कल उधार लिखा है ना दुकान में, आज नगद। साहब, आज जब भी आओ तो नगद की बात करना, कल आना उधारी चाहिए। तो कल जब वो आएगा तो कल फिर क्या होगा? आज ही होगा। हाँ, बोलो साहब, आत्मकल्याण करना है, कब करना है? आज की कल, इदानीम। आचार्य देव कहते हैं इस मिथ्यात्व परिणाम को इदानीम अभी छोड़ो, तत्काल छोड़ो। कैसे छोड़ना है? तत्काल। हाँ, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बोध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ऐसा अनुभव करते ही मिथ्यात्व की अभिलाषा टिकती नहीं। सूर्य का उदय होते अंधकार जैसे नहीं टिकता, ऐसे अपने ज्ञान में अपना ज्ञायक आत्मा दिखने पर बाहर में कर्माश्रित अवस्था, कर्म में एकत्व बुद्धि, देह में एकत्व बुद्धि टिकती नहीं। अपन ने कायोत्सर्ग किया था ना आज सुबह पूजन के बाद, कायोत्सर्ग करो में हम रमोकार मंत्र का पाठ करते हुए कायोत्सर्ग करें। तो कायोत्सर्ग में क्या किया अपन ने कि पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए उन जैसे अपने स्वरूप को लक्ष्य में लिया तो देह होने पर भी देह नहीं रही। क्या करें? बोलो, अरिहंत भगवान को स्मरण करें हम तो क्या देखेंगे? अरिहंत भगवान में क्या देखेंगे? हाँ, कि सुंदर शरीर देखेंगे, कि शांति देखेंगे, समता देखेंगे, क्या देखेंगे? कषाय रहित पना देखेंगे, क्या देखेंगे? हाँ, जय परम शांत मुद्रा समेत क्या देख रहे हैं? परम शांत मुद्रा को देखते से ही मेरे जो पर्याय में कषाय परिणाम था वो टिका नहीं, चला गया। जैसे आपने दृष्टांत सुना हो कि मयूर की टंकार ध्वनि होती है
तो सर्प जो विषधर सर्प होते हैं वृक्षों पे लिपटे हुए, चंदन वृक्ष पे लिपटे हुए विषधर सर्प हैं, वह विषधर सर्पों के बंधन ढीले हो जाते हैं, बंधन ढीले हो जाते हैं विषधर सर्पों के सिर्फ मयूर की ध्वनि सुन करके। ऐसे तत्व की बात सुन के ज्ञानानंद स्वामी आत्मा का लक्ष्य लेते ही ये जो मिथ्यात्व तो है, ये विषय की इच्छाएं ढीली पड़ जाती है, और ढीली नहीं पड़ती इसका मतलब है या करोती सोना जानाती, जो करता मान के बैठा है वो जानता नहीं। तो बोलो अभी हम और आप इस समय क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं कि कर रहे हैं, क्या जान रहे हैं? ये साहब समय सार कलश का 167वां नंबर कलश चल रहा है, ये जान रहे हैं कि मिथ्यात्व परिणाम का आत्मा करता नहीं है, ये जान रहे हैं। ये और नजदीक आए कि मिथ्यात्व परिणाम का आत्मा करता नहीं है, ये जान रहे हैं कि मैं अकर्ता हूं, ये जान रहे हैं। बात ख्याल मेरी, समेटना पड़ेगा, सीमांकित करना पड़ेगा और समेट के स्वरूप के निकट आना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय। देखिए बढ़ते हैं, चर्चा कर रहे हैं, बहुत सुंदर कलश है, बहुत अच्छी बात डाली है, सरल भाषा में लिखी गई टीका है। वह वस्तु ऐसी है कि परद्रव्य सामग्री मैं हूं, ये जीव का मिथ्यात्व परिणाम ऐसा है, परद्रव्य सामग्री मैं हूं। क्या मानता है ये परद्रव्य जो है वो अलग है, ऐसा नहीं मैं अलग हूं, ऐसा नहीं, ये ही मैं हूं। हाँ बोलो, किसी को ऐसी कल्पना है कि आपके इष्ट का वियोग आपके सामने हो जाए तो आप उसको कैसे देखोगे? ऐसी कल्पना करने को तैयार हो? आप चाहोगे आपके पुत्र का वियोग आपके पहले हो जाए? है ऐसी हिम्मत सोचने की, कल्पना करने की? नहीं साहब। मालूम है राग की भाषा कैसी निकलती है? कोई ऐसी कह भी देना कि देखो भाई मेरे को कुछ हो जाए तो ऐसा, अरे तुम ऐसी बात नहीं करो, अभी तुमसे पहले तो हम जाएंगे, हमारी उम्र ज्यादा, ऐसा बोलते ना, ये राग की भाषा है। राग की भाषा में कहते तुमसे पहले हम जाएंगे, तुम ऐसा मत बोलो। और द्वेष की भाषा ऐसी कहेंगे, तुम देख लेना तुम बचने वाले नहीं हो, यानी पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। यानी राग और द्वेष की जो भाषा होती है उसमें दोनों में कर्ता बुद्धि की झलक चल रही, दोनों में राग का ही जहर पड़ा हुआ है दोनों शब्दों में। इसलिए यहाँ पे विचार करना कि आचार्य देव कहते हैं परद्रव्य सामग्री मैं हूं, ऐसी जो कल्पना है ये मूल मिथ्यात्व। हाँ मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, पुनः पुनः आपको स्मरण कराने का भाव आता है। बोलो साहब परिवार में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं आपकी फैमिली मेंबर्स? जनगणना मतगणना होगी और वो आएंगे जानकारी लेने। हाँ आप बताइए आप कौन हैं? तो बोले मैं परिवार का मुखिया हूँ। अच्छा अब आपकी फैमिली मेंबरों के नाम बताइए, तो नाम गिना दिए 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा उनकी आयु गिना दीजिए, उम्र बताइए, तो उम्र बता दी। बात ख्याल में आया? और चिन्ह है इनका, आइडेंटिटी क्या है, तो वो भी आइडेंटिटी बता दिया कि इसके हाथ में यहाँ कट का निशान है, तो यहाँ पर टाके लगे हैं, तो ऐसा ऐसे ढेर सारे अपने सबको पता है। हाँ पासपोर्ट बना होगा आपका, पासपोर्ट विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट बना है? बोलो किस किस का पासपोर्ट है? प्रमोद जी पासपोर्ट है आपके पास? नहीं है, नहीं है। अब क्या काम बाकी रह गया? अब तो हो गया ना इंडिया का काम तो हो गया, अब थोड़ा विदेश का भी विचार करो थोड़ा। हाँ ये भारत का व्यापार बहुत कमजोर चल रहा है, तो थोड़ा विदेश के लिए प्रयास किया जाए। हाँ तो पासपोर्ट बनवाए तो पासपोर्ट में आइडेंटिटी लिखना पड़ती, चिन्ह बताइए आपका, कोई चेहरे पे हाथ पैर में कहीं कोई संकेत चिन्ह हो, कटे का निशान हो, कोई दाग हो तो मेंशन करना पड़ता है। मैं आपसे पूछता हूँ, देह को तो अपना माना, इतना ही नहीं उस दाग को भी अपना मानता है। किसको हाथ मानता है? वो दाग, दाग ये कटे का निशान ना, ये किसका है? ये टांके लगे, आइडेंटिटी है मेरी। हाँ ये यहाँ पे चेहरे में काला दाग है, ये मेरी आइडेंटिटी। एक तिल, तिल सुना, तिल काला तिल, ये मेरा परद्रव्य सामग्री मैं हूं, ऐसी कल्पना कर है। तो तीन लोग का स्वामी पना पड़ा हुआ है अंदर, लेकिन परद्रव्य सामग्री में मैं पने के कारण एक काले
तिल को आत्मा मान के बैठता है। किसकी बात कर रहे हैं? तिल की बात नहीं कर रहे हैं, तिल का ताड़ नहीं बनाना है। तिल का ताड़ तो बना के रखा है। तिल का ताड़ यानी समझते क्या होता है? तिल का ताड़ बनाना मतलब बात तो बहुत छोटी सी थी लेकिन पहाड़ बना के रख दिए उसको। हाँ, हमारे साथ तो बहुत अच्छे अध्येता लोग बैठते हैं, और जैसे हमारे साथ रेखा बहन है, ये तो मतलब विद्यालय में अध्ययन कराती है, तो निश्चित ही ये सब जो मैं छोटी मोटी बातें कहता हूँ तो वो बात पकड़ में आती है। तिल का ताड़ बनाना मतलब क्या है? तूने इस मनुष्य पर्याय में, वर्तमान पर्याय में प्राप्त कार्य जो होना था वो तो किया नहीं, और परद्रव सामग्री में मैं पने की कल्पना करके अनंत भाव का अनुबंध कर लिया, तिल का ताड़ बना लिया। बने बनाए भगवान आत्मा को, गायक स्वभाव को लक्ष्मी ने क्या पर्याय मैं हूं ऐसा मान के तिल का ताड़ बना लिया। ताड़ बना लिया ना, कर्म बंद हो रहे ना प्रति समय। एक जन्म दिवस की भावना अनंत भावों का परिणाम है, उसका फल अनंत भावों की प्राप्ति होने वाली। ऐसी बात कहे कौन? वीतरागी निष्प्रय भगवंतों के अलावा ये मार्ग कहीं मिलना संभव नहीं। देखना, बात करते हैं। जो अभिलाषा वह निह केवल, निह केवल मतलब मात्र केवल मिथ्यात्व रूप परिणाम है। जो भी अभिलाषा है वो मात्र क्या है? मिथ्यात्व परिणाम है। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, और उल्टी मान्यता मतलब जो काम नहीं होने वाला है उसे तू मान के चलता है। बोलो साहब, सफेद बाल अपने सर पे दिख जाएं तो क्या विचार आना चाहिए? बालों की सफेदी देख के क्या विचार आना चाहिए? अब थी ती रह गई थोड़े रहन की, जी मत कर जो छोटो, काहे तुम बिन कारण दुख भोगो। बिन कारण दुख क्यों भोगते हो? ये संकेत है पर्याय में करने योग्य जो कार्य था उसको करो। दुखी क्यों होते? दुखी होना है तो अंदर में तो पड़ा हुआ है कि अरे सफेद हो गए, सफेद हो गए तो उसको काले करेगा दिखाने के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, एक बार बाल को डाई करो और सूखने, मेहंदी लगाओ तो कितनी देर बैठना पड़ता? एक घंटा। एक घंटा, कोई कोई के दो चार घंटे पता ना लगे मेहंदी लगा के बैठ जाए बालों में। और कब लगाता है? अवकाश के दिन, छुट्टी के दिन। काम क्या करना है कि बोले बाल काले करना है? छुट्टी के दिन बाल काले करने के नाम पे दो घंटे बैठा है, पूजन प्रक्षाल स्वाध्याय चिंतन मनन जिनवाणी की संभाल, एक काम का विकल्प नहीं आए। और उस दिन आता है विकल्प कौन सा? इस देह को और सवारने का, सजाने का। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, तूने जितना समय उस बाल को काले करने के लिए लगाया उतना समय अपने तत्व चिंतन में लगा लेता तो ये कालापन ही मिट जाता। मैं पूछता हूं, देखो आप विचार करो, तीर्थंकर के पंच मुष्टि कचलोच होता है, पांच मुट्ठी में पूरे सर के बाल जो होते हैं वो निकाल। बोलो, कटिंग कराने में ज्यादा टाइम लगता है कि केसलोचन में ज्यादा समय लगता हो? कटिंग सैलून में जाके बाल सुधरवाने में, संभालने में ज्यादा समय लगता होगा कि केस लॉन्च में समय अधिक लगता होगा? एक बाल के प्रति अपनत्व बुद्धि पड़ी है ना, तो आप ढेर अंबार लगा के बैठते हैं अपनी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, तरह तरह की कंगियां, तरह तरह के तेल, तरह तरह के जेल। नहीं बोले अपनी बात नहीं साहब, अभी तो ये सब स्वाध्याय प्रेमी लोग हैं, इनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आपको ये भाव आता है कि नहीं आता कि बाल काले कर ले? हाँ, मेरे भी बाल पूरे झड़ चुके हैं पता। हाँ, ये ऊपर से झड़ गए हैं, ये सामने सामने की आभा है, ये कब गायब हो जाए ये भी पता नहीं है। तो लोग कहते हैं अरे अभी तो आप ट्राई करके देखो, ये चीज लगा के देखो साहब, आ जाएंगे, सूख जाएंगे वापस।
इसको लगाओ आप, एक बार प्रयास तो करके देखो, कोई दिक्कत नहीं हो, चिंता नहीं करो, पैसा आपका नहीं लगेगा, हम दे रहे हैं आपको, आप तो करके तो देखो क्या दिक्कत है। कि हर चीज को तू धन से क्यों जोड़ता है? मैं कहता हूं हर चीज को तू धर्म से जोड़। किससे जोड़ना है? धन से नहीं जोड़, धर्म से जोड़। थोड़ा अपने आप को, अपने लक्ष्य को इस मिथ्यात्व परिणाम से हटाओ, स्वरूप से जोड़। देखो क्या कह रहे हैं कि नेह केवल, वह केवल मिथ्यात्व रूपी है, ऐसा परिणाम, ऐसा गणधर देव ने कहा है। सा नियता मिथ्या दृश्य भवेत, जो ऐसे परिणाम का करता है वो निश्चय से पक्के में 101% मिथ्या दृष्टि है, गारंटेड मिथ्या दृष्टि है, जिसके इच्छा अभिलाषा चलती है। क्या कह रहा है? कितनी इच्छा अभिलाषा? एक बाल को काला करने का परिणाम मिथ्या दृष्टि का लक्षण, एक दुकान को चलाने का भाव मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, बच्चों को पालन पोषण करने का भाव मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। अभी तो इसमें आगे और आने वाली चर्चा, जो अगली गाथा है ना, जिसके पूर्व रंग में अपन पिछले दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं, वो गाथा बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मूल कलश है, उसकी जब चर्चा करेंगे इसके बाद 168, तब आप देखना वहां पे एक लाइन आने वाली, यह एतत् अज्ञानम, यह मात्र ज्ञान है और कुछ भी नहीं। देखिए पढ़ते हैं आगे की पंक्ति, पढ़ते हैं। सा निहिता मिथ्या दृश्य भवेत, कर्म की सामग्री में राग नियतम अवश्य कर मिथ्या दृश्य भवेत, मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। कर्म की सामग्री में राग मिथ्या दृष्टियों को होता है, सम्यक दृष्टि को नहीं। सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु कहे हैं, और मिथ्या दृष्टि के व्रत तप आदि भी बंद के कारण कहे। सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, भोग कभी निर्जरा के हेतु होते होंगे क्या? भोग निर्जरा के कारण होंगे? भोजन करने का भाव धर्म परिणाम होगा क्या? वो भी नहीं, शुद्ध भोजन करने का परिणाम धर्म परिणाम है कि अशुभ भाव है? हाँ, बाबू युगल जी साहब ने डाली थी पंक्ति, यह छुदा देह का धर्म प्रभु, इसकी पहचान कभी न हुई, हर पल तन में ही तन्मयता, छुत तृष्णा विरल पीन हुई। भोजन का जो भाव है अशुभ भाव है। अभी हम यहाँ पे जिनवाणी सुन रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, ये शुभ भाव है, और अभी उठते ही से दूसरा विकल्प क्या होने वाला है? हाँ, ये भोजन तैयार करो, भोजन बनाओ, भोजन करना है, भोजन करना है, ये जो परिणाम है अशुभ भाव। अब लगाओ उसके बाद दूसरा अशुभ भाव कौन सा होगा? भोजन करने के बाद, भोजन के बाद का अगला काम, निश्चित काम, प्रतिदिन जो करते हैं, आदत में पड़ा हुआ है। हाँ, अगर दुकान खोलने का समय है और ये हमारे को 10:30 बजे दुकान खोलना है, तो भोजन कितने बजे कर लेगा? वो ऐसी आकुलता चले कि वो धर्म पत्नी को संकेत करे, तुम बैठे नहीं रहो भैया, तुम जाके बनाना चालू करो, इनको का है? ये तो भूल जाते पंडित जी, बार बार घड़ी 10-15 मिनट आगे ले लेते, तुम तो रोटी बनाना चालू करो, हम अब भी आ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अभी स्वाध्याय चल रहा है कि रोटी का विकल्प चल रहा है? फोन आ जाए बीच प्रवचन में, बहुत अर्जेंट काम है, 2 मिनट बात कर लो, तो बोलो फिर स्वाध्याय का विकल्प रहता कि विकल्प वहां भाग जाता है? याद वहां विकल्प चला जाए, ऐसी ऐसी स्थिति है जीव की। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि नियत ही मिथ्या दृष्टि है, निश्चित मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि मतलब अनंत संसारी है, कोई उसे दुख से निकाल नहीं सकता, क्योंकि दुख को इसने पाल के रखा है, इसने अपने स्वरूप को दुखमय अनुभव करता है, दुखों में सुख की खोज कर रहा है, इसे सुख की प्राप्ति कहां से होगी? विषयों का रस विष का प्याला, चेतन का आनंद निराला, हो अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे,
निजानंद पान करेंगे, अब विषयों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे, विषयों में नहीं रुलेंगे, विषयों में नहीं फंसेंगे। कब नहीं फंसेंगे? जब तक कर्म सामग्री में सुख बुद्धि है तब तक तू फंसा रहेगा। सुख की दृष्टि हटी और आनंद की झलक देखने को मिली। लोगों को लगता है ये साधन छूट जाएंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। सुनो भाई, छूटना तय है, छूटे छुटाए है। छूट जाएंगे ऐसा क्यों बोलता है? ये छूटे हुए हैं, इस समय भी ये आत्मा में नहीं है, आत्मा में प्रविष्ट नहीं है, आत्मा का कुछ भला बुरा नहीं कर सकते। हाँ, मैं आपसे पूछता हूं, अभी ये जो समस्या चल रही ना कोरोना की, इसमें आपको यदि ऐसी बीमारी का प्रॉब्लम बन जाए, ये समस्या आ जाए, तो आप गवर्नमेंट में जाना चाहोगे कि प्राइवेट में जाओगे ट्रीटमेंट कराने? कहां जाओगे आप, गवर्नमेंट में कि प्राइवेट में? प्राइवेट में। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता है वहां सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, वहां बचने की बहुत उम्मीद है, कि गवर्नमेंट वाले तो ऐसा भगवान भरोसे छोड़ देंगे, हैं? जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, तुम्हारे जो होगा सो होगा, जी दवाई रखी है, खाना है तो खा लेना, जैसा करना है सो कर लेना, हम थोड़े तुम्हारे चक्कर में मरेंगे। ये गवर्नमेंट की स्थिति। और प्राइवेट की स्थिति यह है कि गवर्नमेंट पैसा दे रही उनको, इस बात के लिए कि जितने भी केस आएंगे, यदि वो कोरोना पॉजिटिव है और उसके कारण मरण हो जाए तो 125,000 रुपए आपके खाते में दिया जाएगा। आप उनको बचाओ, दिया जा रहा है पैसा जान बचाने के लिए, वो सोचते हैं इनको मर जाए तो पैसा मिल जाए। प्राइवेट में गए थे। हाँ, अब आप लगाओ कि मैं ये जो विकल्प करता हूं ना, यहां जाऊंगा तो बच जाऊंगा, ये मुझे बचा लेगा, ये नितांत मिथ्यात्व है। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यही मिल जाएगा, सब कुछ यही मिलने वाला, सब कुछ मतलब मूल मार्ग मिल गया, अब घबराने की जरूरत नहीं है। उदय प्रमाण जय है, आयु जितनी है उस हिसाब से बनने वाला है। पर का दोष देने की जो कल्पना है यही मिथ्यात्व है, पर मेरा भला बुरा कर सकता है यही मिथ्यात्व। एक पंक्ति है, आज की चर्चा यहीं पे विराम हो जाएगी। देखिए, कर्म की सामग्री में राग अवश्य कर मिथ्या दृष्टि जीव के होता है, सम्यक दृष्टि जीव के निश्चय से नहीं होता। इसके निश्चय से होता है और उसके निश्चय से नहीं होता। सम्यक दृष्टि के कैसा है? निश्चय से नहीं होता, और मिथ्या दृष्टि के निश्चय से होता है, 101% होता है। मैं आपसे प्रश्न पूछूं, क्यों सम्यक दृष्टि के जन्मदिन होते होंगे कि नहीं? मनाता होगा कि नहीं सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि का जन्मदिन होता है कि नहीं? अरे, दृष्टि जब सम्यक हो गई और उसने इस पर्याय से ही भेद ज्ञान कर लिया तो उसका जन्म दिवस हो सकता है क्या? लेकिन अज्ञानता की पराकाष्ठा कहें तो अध्यात्म के क्षेत्र में भी सम्यक दृष्टियों के लोग जन्मदिन मनाते हैं। एक तो खुद मिथ्या दृष्टि, दूसरा तुम कैसे बता सकते हो कि ये सम्यक दृष्टि है? शक्कर जिसने चखी नहीं हो कैसे उसका गुणगान करेगा? शक्कर जिसने चखी हो वही जानता कि शक्कर की मिठास कैसी है। फिर प्रश्न आता है, शक्कर की मिठास कैसी है बताइए आप। क्यों साहब? नीले जी, सैलू की शक्कर कैसी है? बहुत मीठी है। मीठी है कि थोड़ी फीकी रहती है? डायबिटीज पेशेंट खा सकता है कि नहीं सैलू की शक्कर? ये बोले पंडित जी ऐसा प्रश्न क्या करते हो, शक्कर तो मीठी होती है, वो तो कोई खाएगा, उसका मुंह मीठा होगा, डायबिटीज वाला खाएगा तो शुगर बढ़ने वाली, तो आप बताओ कि कैसी मीठी है? हा? ये बोले बता नहीं सकते, जो ज्ञात वो तो वो ही है, जो ज्ञात वो तो वो ही, बता नहीं सकते। ऐसे अनुभव में जो तत्व आया है, ऐसा ज्ञायक तत्व आया है, आत्मानुभूति में आया, बताने की वस्तु नहीं है, इसको भोगो बस। हाँ, सम्यक दृष्टि के भी जन्म जयंती मनाने का नाम मिथ्या दृष्टि पना है, मिथ्यात्व का पना। ज्ञानियों का उपकार मान सकते हो क्योंकि उनसे मार्ग मिला था, उनके नाम पे मिथ्यात्व का पोषण मत करो। क्या है? उनके नाम पे मिथ्यात्व का पोषण नहीं करो,
देवशास्त्र गुरु भगवंतों से मार्ग मिला है, उनकी यथोचित विनय करो, उनके नाम पे मिथ्यात्व पोषित नहीं करो। बात जमती तो है ना, है? अब तो आदत हो गई होगी खरी खरी खाने, है? चलता है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी खरी भी चलती है, क्या करेंगे, चलाना पड़ेगा, दुसम पंचम काल में है, जैसी मिल रही है वैसी खा लो, उदय प्रमाण मिलती है। आप विचार करना, भाग्य के बिना नहीं मिलती। सच बात तब मिलती है जब अपना भाग्य हो। ये वीतरागी भगवंतों की तो जिनवाणी भरी पड़ी हुई है, पर मेरा भाग्य था तब दृष्टि पड़ी, और दृष्टि बड़ी पड़ी और दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई। कुछ मार्ग ही अलौकिक होता है सम्यक दृष्टि का जीवन। देखो क्या लिखे, सम्यक दृष्टि जीव के निश्चय से नहीं होता। साचा बंध हेतु वह राग परिणाम कर्म बंध का कारण है। ये जो राग की धारा बह रही है, मोह राग, ये कर्म का परिणाम। कर्म के परिणाम को और नौ कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने, वो ही आत्मा ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? जो कर्म के परिणाम और नौ कर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र जानता है, वो ज्ञानी है। और जो करता है वो क्या है, ज्ञानी है कि अज्ञानी है, वो सूत्र लगाओ। या जानाती साना करोती, और अब यहां कहेंगे या करोती साना जानाती। जो करता है वह जानता नहीं है, और जो जानता है वह करता नहीं है। हम आज से अनादि काल से अभी तक क्या बने हुए थे, करता। अब क्या हो गए, अब क्या हो गए, ज्ञाता। तो किसके कारण से ज्ञाता हुए, जिनवाणी का उपदेश सुना तो ज्ञाता हुए, कि स्वभाव से ही ज्ञाता पना पड़ा हुआ। देखो बहुत अच्छी पंक्ति है जिन पूजन में आती है, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। अब मैं पूछता हूं, भगवान को देखने से समझ में आया कि इस जगत में सुख नहीं है, कि हमने ये जाना कि इसमें सुख नहीं है तो भगवान पे दृष्टि पड़ी? जुड़ने से हटे कि हटने से जुड़े? अपने हाथ में क्या है, कि जुड़ना और हटना दोनों एक साथ होता है। ज्ञान ही प्रत्यक्षान है, जुड़ना हटना एक साथ होगा। यहां से हटोगे तो उनसे जुड़ोगे, उनसे जुड़ोगे तो यहां से हटोगे, ये धारा साथ में चलती है। ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य, सम्यक दृष्टि नियतम, निश्चित ज्ञान वैराग्य शक्ति सम्यक दृष्टि के होती है। ठीक है, साचा बंध हेतु वह राग परिणाम कर्म बंध का कारण, इसलिए भावार्थ ऐसा कहा कि मिथ्या दृष्टि जीव कर्म बंध करता है, सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता। अब मैं आपसे आखिरी बात कह के विराम लेता हूं, कि सम्यक दृष्टि नहीं करता और मिथ्या दृष्टि करता है। ये जो वाक्य प्रयोग किया गया करता है, तो मिथ्या दृष्टि क्या करता है, कुछ परद्रव्य में कुछ करता है कि नहीं करता? हाँ, ये नहीं, कुछ नहीं करता। मिथ्या दृष्टि भी जानता है, लेकिन अपने जानन स्वभाव का खबर नहीं है, इसलिए ऐसा मानता है कि मैं करता हूं, करता कुछ नहीं। बोलो साहब, माताएं बहने आधा भोजन बना के बैठे हो ना, आधे तो निर्विकल्प हो ना, और आधे का विकल्प है, आधा बनाना रह गया, तो पूरा बन जाएगा तो निर्विकल्प हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? हैं, कि आधे तो आधी सीटियां आ गई हैं, तो आधी तो सीटियां बंद हो गई होंगी ना, कुकर की आधी सीटी बच चुकी है। ये बोले पांच सीटी लेना रहती तो तीन आ चुकी थी, तो तीन का विकल्प शांत हो गया, दो के विकल्प है, अब दो सीटियां और बजेंगे तो निर्विकल्प हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? हां, ये नहीं साहब, अभी तो अब कुकर खोलना बाकी है, कुकर खोलना बाकी है, फिर दाल बघारना बाकी है, फिर सब्जी बघारना बाकी है। ये रहट खत्म नहीं होती है विकल्पों की, इच्छा जाल खत्म नहीं होता है, हाँ, आयु खत्म हो जाती है, पर्याय चली जाती है। मिथ्या दृष्टि की ऐसी स्थिति है, और सम्यक दृष्टि या जानाती साना करोती। ऐसी एक एक पंक्तियां उठा लो आप कलशों में से, जो आपके जीवन में स्मरण में रहे, श्रद्धान को बल दें और परिणामों को स्थिरता प्रदान करें। या जानाती साना करोती, हाँ, दुकान में बैठे बैठे क्या विचार करना, या जानाती
साना करोति, ऐसा करने पे क्या होगा, दुकान का समय कम होने लगेगा, अपने आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, दुकान लेट खुलने लगेगी, जल्दी बंद होने लगेगी, घबराना नहीं, पुण्य में कमी नहीं आने वाली। तू पुण्य की रस को तो छोड़, पुण्य तेरे पीछे पड़ता है, और तू पुण्य की दौड़ में लग, तेरे परिणामों से पाप का बंद होता है। हाँ, यदि पुण्य भी चाहिए हो ना, तो पुण्य का रस मत पकड़ना। अब चाहिए हो तो उसका मतलब है चाहिए तो पकड़ेगा, ये तो निश्चित बात है, ये तो कहने का कथन कह दिया। पुण्य उदय चाहते हो तो पुण्य के रस की नहीं बनना, नहीं तो पाप का ही बंद होता है, पाप परिणामों का होता है, आश्रव पापाश्रव का कारण है पुण्य का रस, और पुण्य रस से पापाश्रव और वर्तमान परिणाम के अनुसार जो पूर्वबद्ध पुण्य प्रकृतियां थी वो भी पाप रूप परिणमित हो जाती। क्या कह रहे हैं, दुकान ना चले तो घबराना नहीं, क्या कह रहे हैं, दुकान ना चले तो घबराना नहीं। तो बोले क्या करें साहब, घर गृहस्थी तो चलानी पड़ेगी, धैर्य अंगीकार कर, थोड़ा तत्व विचार कर, ये परिणाम जो पूर्व में किए थे उसके अनुसार पुण्य पाप का उदय चल रहा है, थोड़ा धैर्य रख, धर्म में उपयोग लगा, तत्व चिंतन में उपयोग लगा, पाप प्रकृतियां पुण्य रूप परिणमित हो जाती है। लेकिन मैं इसमें ये बात कह के कोई पुण्य का रस लगाने की बात नहीं कह रहा, पुण्य के प्रति आने तुझे जानने की कला को सीख जा, बस इतना ही कहने का, इतना उद्देश्य आचार्य देव का है। आइए सुंदर ये कलश की चर्चा आज यहाँ पूर्ण करते हैं, और कल हम आगे का कलश पढ़ेंगे 168 नंबर का, 168 नंबर बंद अधिकार, इसकी चर्चा कल करेंगे। समय बिल्कुल निश्चित 9:30 मेरी घड़ी में हो गया है, अपन यहाँ पे विराम लेते हैं, जिनवाणी का पाठ करेंगे, और कुछ परिवारजनों के नाम एक दो जन के मेरे को आते जा रहे हैं, जिन्हें भी आमंत्रित करता में रहने का भाव हो वो नाम मुझे पहले से प्रेषित करें, ताकि मैं अपनी आगामी व्यवस्था को सुनियोजित कर सकूं, है ना। और डेट का आप बहुत आग्रह नहीं रखना, आपसे भावनाओं का आग्रह रखना, जैसी जो अनुकूलता बने उसमें उतना आप समय एडजस्ट करके शामिल हो। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति का पाठ करते हुए स्वाध्याय सभा विसर्जित करें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। रमो अरिहंताणम रमो सिद्धाणम रमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम रमो लोय सब साहूणम रमो अरिहंताणम रमो सिद्धाणम रमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोय सब साहूणम रमो अरिहंताणम रमो सिद्धाणम रमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोय सब साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, वीतरागी जैन शासन की जय हो, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। रात्रि में 8:30 से अपना जो ब्रह्मचर्य निर्देशिका ये विषय का स्वाध्याय है वो प्रारंभ करेंगे, और तत्संबंध में बच्चों के वीडियो आदि जो प्राप्त होते जाएंगे उसका भी हम देखते हुए आगे के लिए बढ़ेंगे। आइए पद्म प्रभु भगवान की इस कल्याणक महोत्सव की कौशाम्बी क्षेत्र का मंगलमय वंदन करते हुए, वैसा ही पुरुषार्थ हम में जगे जैसे भगवंतों ने अपने जीवन में प्रकट करके भव का भाव किया, इस मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधनियों को देते हैं।